स्वागत है एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का। आज के इस वीडियो में हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम देखेंगे, जावा में हम लोग कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग नोटपैड पे पहले देखते हैं, फिर हम लोग ब्लूजे पे देखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर नोटपैड ओपन कर लिया। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जावा में जितने भी प्रोग्राम बनते हैं, वो हम लोग उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एक क्लास डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने एक क्लास डिफाइन कर ली। क्लास कोई भी नाम लिख सकते हैं आप, हेलो वर्ल्ड ही लिख लें। हेलो वर्ल्ड नाम की आपने क्लास बना ली। फिर यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर हमें पब्लिक, इस फंक्शन को पब्लिक बनाना पड़ेगा ताकि कोई भी इस फंक्शन को एक्सेस कर सके। स्टैटिक बनाने का मतलब ये हुआ कि विदाउट एनी ऑब्जेक्ट इसको फंक्शन को कॉल कराया जा सके। वॉइड, इसका मतलब हो गया कि ये मेन फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा आफ्टर एग्जीक्यूशन, और फंक्शन का नाम हो गया मेन, ठीक है। और ये किस तरह के आर्गुमेंट लेता है, स्ट्रिंग टाइप के। और यहाँ पर आपने एरे का नाम ले लिया, स्ट्रिंग टाइप की एरे पास कर दी, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर आपको, यहाँ पे आपकी मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो गई, और यहाँ पर आपको सिंपल सा काम क्या करना है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने के लिए, जैसा कि आपने सी में देखा प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करा आपने, सी प्लस प्लस में देखा सी आउट का यूज़ करा, यहाँ पर भी आप प्रिंट एल एन फंक्शन का यूज़ करेंगे प्रिंट करने के लिए, ठीक है। या प्रिंट का भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको कॉल कराने के लिए आपको पहले सिस्टम क्लास का यूज़ करना पड़ेगा। सिस्टम क्लास, उसका एक ऑब्जेक्ट होगा आउट, और उसका एक फंक्शन है प्रिंट, या प्रिंट एल एन कर लें या प्रिंट कर लें, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एल एन का मतलब होता है न्यू लाइन के लिए यूज़ करा जाता है, ठीक है। और आपको यहाँ पर सिंपल सा क्या प्रिंट कराना है, हेलो वर्ल्ड। तो आपने हेलो वर्ल्ड जैसा भी आप लिखना चाहें वैसा वो लिख देगा, ठीक है। एज इट इज़ डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर जो भी लिखेंगे आपको एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। फिर मेन फंक्शन बंद कर दिया, और फिर यहाँ पर आपने क्लास को बंद कर दिया, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। आपने एक क्लास डिक्लेयर करी, ठीक है, एक क्लास डिफाइन करी हेलो वर्ल्ड नाम की, फिर उसके अंदर आपने मेन फंक्शन डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो ये क्लास जो हो गई आपकी, वो मेन क्लास बन गई। मेन क्लास वो क्लास होती है जिसके अंदर मेन फंक्शन डिफाइन किया गया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख लिया, स्ट्रिंग टाइप की एरे पास कर दी उसमें, और एक सिंपल सा स्टेटमेंट दे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और उसके अंदर आपने जो भी मैसेज देना था वो आपने लिख दिया, हेलो वर्ल्ड आप प्रिंट कराना चाहते थे इसलिए आपने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। आप जो भी चीज़ प्रिंट कराना चाहेंगे आप डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे, वो एज इट इज़ आपको प्रिंट करके एज अ आउटपुट दे देगा, ठीक है। फिर आपने मेन फंक्शन को बंद कर दिया, फिर आपने क्लास को बंद कर दिया। अब यहाँ पर बात ये है कि आप सी और सी प्लस प्लस में किसी भी नाम से फाइल को सेव कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपको हेलो वर्ल्ड नाम से ही फाइल को सेव करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने फाइल में गए, सेव पे गए, और आपको जावा वाली डायरेक्टरी में जाना होगा, सी प्रोग्राम फाइल्स जावा, और JDK 1.8 जो भी आपका वर्जन हो उसके अंदर बिन डायरेक्टरी होगी, यहाँ पर जाके आपको उसी नाम से फाइल को सेव करना पड़ेगा जिस नाम से आपकी क्लास बनी है। तो यहाँ पर आपकी क्लास का नाम क्या है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। गलती ना हो उससे बढ़िया ये है आप वहाँ पर से कॉपी कर लें हेलो वर्ल्ड, और इसका एक्सटेंशन आपको देना पड़ेगा डॉट जावा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ऑल फाइल्स कर लीजिए और इसको सेव कर दीजिए, ये आपकी फ़ाइल सेव हो गई, ठीक है। अब आपको कंपाइल कराना है, एग्जीक्यूट कराना है, तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा। तो आपने क्या करा, यहाँ पर विंडो की प्रेस करी और CMD लिख दिया, और इस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लिया। फिर देखिए, अब ये यहाँ पर ये डायरेक्टरी दिखा रहा है सी के अंदर विंडोज़ के अंदर System32, लेकिन आपको क्या करना है, जावा वाली डायरेक्टरी में जाना है। तो उसके लिए या तो आप क्या करें कि पाथ सेट कर दें, या फिर आप सिंपल सा काम करें कि उस डायरेक्टरी में जाएं। तो उस डायरेक्टरी में जाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इतना लिखेंगे गलती हो सकती है, तो आप ये करें फाइल में जाएँ, ठीक है, और यहाँ से ये पाथ कॉपी कर लें
और चेंज डायरेक्टरी के लिए आप क्या करते हैं, कमांड सीडी का यूज़ करते हैं, चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। फिर जो आप पाथ कॉपी करके लाएँ उसको सिंपल सा राइट क्लिक करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा, और एंटर करेंगे तो वो आपका पाथ चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको कंपाइल करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, जावा सी, JAVAC, ठीक है। और फिर फाइल का नाम आपका क्या था, हेलो वर्ल्ड, HELLO हेलो WORLD, ठीक है। और इसके साथ एक्सटेंशन आपको यूज़ करना पड़ेगा जावा का, ठीक है। और जैसे ही एंटर करेंगे अगर कोई एरर नहीं होगी वो सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। देखिए कोई भी एरर नहीं है, इसका मतलब है आपके प्रोग्राम में कोई भी सिंटैक्स वाली एरर नहीं थी, ठीक है। अच्छा अब इसको रन कराना है, रन कराने के लिए आपको सिंपल सा काम क्या करना होगा, फाइल का नाम लिखना होगा, ठीक है। और यहाँ से जावा सी हटा के केवल जावा लिखना होगा, ठीक है। जावा इंटरप्रेटर के थ्रू आप इसको क्लास फाइल को रन करा देंगे, ठीक है। अब अगर आप देखना चाहते हैं तो हेलो वर्ल्ड नाम की एक क्लास फाइल भी बन गई होगी, ठीक है। अच्छा आपको दिखा देते हैं, विंडो ई कर आपने, सी में गए, प्रोग्राम फाइल्स में गए, जावा में गए, JDK का जो वर्जन था अपने 1.8 है हमारा, यहाँ पर बिन डायरेक्टरी में गए, एच प्रेस करा। तो देखिए हेलो वर्ल्ड डॉट जावा नाम से आपने एक जावा नाम की फाइल बनाई थी, ठीक है, और आपकी ये क्लास फाइल बन गई जब आपने कंपाइल कराया, ठीक है। अब आप इसी को एग्जीक्यूट कराना है आपको, तो यहाँ पर आपने जावा लिखा और हेलो वर्ल्ड लिख दिया, जैसे ही एंटर करेंगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा आपका हेलो वर्ल्ड। देखिए जो भी आपने मैसेज दिया था एज इट इज़ आपको प्रिंट कर दिया, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब यही सेम प्रोग्राम अगर ब्लूजे में आपको बनाना हो तब क्या करेंगे, तो उसके लिए सिंपल सा आपको ये सब ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हम ब्लूजे को ओपन कर लेते हैं, न्यू क्लास बना लेते हैं, हेलो वर्ल्ड ही नाम लिख लेते हैं, ओके कर देते हैं, डबल क्लिक कर लेंगे इस पर। ये कमेंट्स हैं आपको ज़रूरत नहीं है तो हटा दीजिए इसको। ठीक है ये आपकी क्लास बन गई। अब आपको सिंपल से क्या काम करना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन लिखना है, स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट देना है, एक एरे पास कर देनी है, फिर यहाँ से मेन फंक्शन का स्टार्ट हो जाएगा बॉडी, ठीक है। फिर यहाँ पर सिंपल सा आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और यहाँ पर जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज दे दें। सेमी कॉलन लगा दें और यहाँ पर मेन फंक्शन को बंद कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर कंपाइल करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के, या फिर आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। कंपाइल यहाँ पे क्लिक कर लें या कंट्रोल के कर सकते हैं। अगर कोई एरर नहीं होगी तो ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा और यहाँ पर नो सिंटैक्स एरर लिख के आ जाएगी। देखिए क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर, यानी कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं थी, ठीक है। अब इसको क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पर राइट क्लिक कर दीजिए। देखिए जब तक प्रोग्राम कंपाइल नहीं होता है तो उसमें इस तरीके से लाइनिंग दिखाता है, ठीक है। लेकिन जब कंपाइल हो जाता है सक्सेसफुली तो ये आपको इस तरह से दिखाने लगता है। अब इस पर राइट क्लिक करिए और यहाँ से हेलो वर्ल्ड पे क्लिक कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको आउटपुट मिल गया हेलो वर्ल्ड। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।